What's up, guys? Hey everyone, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल बनी लेटर पे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को बताया था कि MacBook Pro 2012 जो है वो MacBook का जो लेटेस्ट Mac OS है कैटेलिना, वो ये लैपटॉप जो है सपोर्ट करते हैं। तो आज हम देखेंगे MacBook Pro 2012 पे जो है ये कैसा परफॉर्मेंस करता है, क्या एक्चुअली में आप MacBook Pro 2012 के मॉडल पे Mac OS कैटेलिना चला पाएंगे। तो आज हम इस सच का सामना करेंगे, तो बिना टाइम गवाए चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसमें आपको मैक ओएस कैटेलिना में जो है आपको क्या कुछ नया देखने को मिलता है, इसका यूजर इंटरफेस कैसा है, तो उसके बारे में सबसे पहले बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑल, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है, आपको सेम पुराना जितने भी मैक ओएस है, मतलब मैक ओएस हाई सीरा हो गया, मोजावी हो गया, या फिर मैक ओएस सीरा, सेम ही है आपको। UI वगैरह ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं किया गया है, लेकिन इसमें जो है आपको दो नया ऐप मिलते हैं जो कि Apple का ही सॉफ्टवेयर है, जो कि है सबसे पहला जो ऐप है वो है प्रॉडकास्ट। जो प्रॉडकास्ट ऐप है वो सबसे पहले तो आपको आईफोन पे मिलते थे, लेकिन अभी जो है आपको MacBook पे भी जो है ये सॉफ्टवेयर जो है आपको प्रॉडकास्ट जो है ऐप देखने को मिलता है। और सेकंड है Apple TV। Mac OS कैटेलिना के पहले जितने भी OS थे वहाँ पे जो है आपको iTunes ऐप्स मिलते थे, और वहाँ पे आपको Apple का वीडियोस वगैरह हो गया, म्यूजिक वगैरह हुआ, एक साथ मिलते थे iTunes पे। लेकिन अब जो है ये अलग कर दिया गया है, और iTunes म्यूजिक का प्लेयर जो है अलग है, और वहाँ पे आपको iTunes का भी ऑप्शन मिलेगा। और जो Apple TV है, मतलब Apple का वीडियो प्रोडक्ट है, वो Apple TV कर दिया गया है, वो अलग से। तो नेक्स्ट इसकी बात करो तो यहाँ पे जो आईफोन वगैरह है आपको कनेक्ट करने के लिए iTunes की ज़रूरत पड़ती थी, लेकिन अब जो है आप फाइंडर पे जो है आप आईफोन को जो है ऑपरेट कर सकते हैं। तो ये चीज़ जो है अलग कर दिया गया है iTunes से, तो काफ़ी सारा चीज़ जो है iTunes से निकाल दिया गया है। तो आप बात कर लेते हैं Mac OS कैटेलिना के परफॉर्मेंस के बारे में। तो परफॉर्मेंस में मुझे कोई भी इशू अभी तक नहीं मिला है, और इससे पहले मैं इस MacBook पे जो है Mac OS सिरा चलाते थे, और सिरा पे जो मुझे परफॉर्मेंस मिला था वही सेम आपको जो है कैटेलिना पे भी मिलेगा। मैं ये कंप्लीट करीब एक हफ्ते से यूज़ कर रहा हूँ, और मुझे परफॉर्मेंस में कोई भी इशू जो है अभी तक नहीं मिला है। और एक चीज़ जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ वो है कि अगर आप Mac OS कैटेलिना आने के बाद अगर आप सफारी ब्राउज़र यूज़ करेंगे तो YouTube में काफ़ी सारा जो है वीडियोस मिल जाएंगे, लेकिन वहाँ पे अगर बनी लेटर सर्च कर दो तो मेरा चैनल आ जाता है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और यहाँ पे अगर आप SSD पे शिफ्ट हो जाते हैं तो भी और भी अच्छा जो है परफॉर्मेंस मिलेगा इस Mac OS 2012 के मॉडल पे। और आप जो है MacBook 2012 को जो है कैसे अपग्रेड कर सकते हैं, मैंने उसका भी वीडियो बनाया है, अगर वीडियो नहीं देखा हो तो मैं आई बटन पे दे दूंगा, आप जो है वो चेकआउट कर सकते हैं। तो Mac OS कैटेलिना इंस्टॉल करने के बाद जो है यहाँ पे सबसे बढ़िया प्लस पॉइंट है वो है ऐप स्टोर। ऐप स्टोर पे काफ़ी सारा जो है आप ऐप यूज़ कर सकते हैं लेटेस्ट वर्जन में आने के बाद। तो यहाँ पे मैं जब Mac OS सिरा चलाता था तो वहाँ पे जो है फाइनल कट प्रो इंस्टॉल नहीं होते थे, क्योंकि Mac OS सिरा जो है फाइनल कट का जो लेटेस्ट वर्जन है वो सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन कैटेलिना के आने के बाद जो है ये सपोर्ट करते हैं, और काफ़ी अच्छी तरीके से जो है फाइनल कट प्रो इसमें चलते हैं। तो मुझे फाइनल कट प्रो चलाने में जो है कोई भी इशू अभी तक नहीं मिला है। तो Mac OS कैटेलिना में जो है और एक बड़ा सा चेंज ये कर दिया गया है कि आप इसमें जो है डायनामिक वॉलपेपर भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी सारा जो है डायनामिक वॉलपेपर आप लोगों को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे आपको जो है डार्क मोड का भी ऑप्शन मिल जाता है, और आप जो है इसका डार्क मोड का भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप MacBook Pro 2012 में अगर Mac OS कैटेलिना चलाना चाहते हैं तो आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर सजेस्ट करूँगा, क्योंकि इसमें जो है
कोई भी इशू आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। एप्पल के प्रोडक्ट के साथ ऐसा ही होता है कि जो भी जब भी नया कोई वर्जन आते हैं तो काफ़ी स्लो हो जाते हैं, चाहे वो स्मार्टफोन हो या मैकबुक हो। लेकिन मुझे अभी जो है मैकबुक पे कोई भी ऐसा प्रॉब्लम देखने को नहीं मिला है। तो आप जो है कैटेलिना ज़रूर यूज़ ट्राई कर सकते हैं। तो इसको इंस्टॉल करने के लिए जो है आप सबसे पहले तो ऐप स्टोर पर जाना होगा, और उसके बाद जो है आपको मैक ओएस कैटेलिना का जो इंस्टॉलर है वो आपको सबसे पहले इसमें इंस्टॉल करना होगा। तो इसमें जो है करीब 8 GB भी आपको डाटा की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप जो है इसे डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं, और यहाँ पे कोई भी आपका लैपटॉप का कोई भी डाटा जो है लॉस नहीं होगा। तो आप आराम से जो है जाकर अपडेट कर सकते हैं। और बैटरी परफॉर्मेंस की बात करूँ तो इसमें ठीक ठाक है। मुझे जो सिरा पे बैटरी बैकअप मिल रहे थे सेम ही मुझे यहाँ पे भी मिल रहा है, जो करीब 4 से 5 आवर्स है। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ एक ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।